अब नेक्स्ट हम व्यवस्था सुधारक के रूप में शेषासुरी को एक रूप से और सिद्ध करते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। शेषासुरी का जो आय का मुख्य स्रोत था या सोर्स ऑफ इनकम जो थी इनके पास, वो तीन प्रकार के कर हुआ करते थे। पहला लगान कर, अभी अपन ने डिस्कस किया कि लगान कर एक भूमि कर हुआ करती थी, तो लगान कर था। दूसरा थे आपके कौन सा, टकसाल कर, और तीसरा था नमक कर। तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या थी या आय का स्रोत क्या था, तो वो हुआ करता था आपका कर। और ये कौन कौन से कर थे, लगान, टकसाल और नमक कर हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शेषासुरी की जो लगान व्यवस्था थी वो बेसिकली किस पे बेस थी, तो अगर हम देखें तो शेषासुरी की जो लगान व्यवस्था थी वो थी रैयत बाड़ी पे। रैयत की मीनिंग होती है किसान, ठीक है। तो यहाँ पे शेषासुरी की जो लगान व्यवस्था थी वो रैयत बाड़ी पर आधारित थी। इस पद्धति के आधार पर वह किसानों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहा करता था, तो किसानों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए उसने अपनी लगान व्यवस्था रैयत बाड़ी पर आधारित की। तो ये हम इसको रैयत बाड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शेषासुरी ने लगान के आधार पर अपनी भूमि को तीन प्रकार से इन्होंने विभक्त किया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो हर एक भूमि से सेम लगान नहीं लेता था। उसने पहले क्या किया, अपने लैंड का सर्वे करवाया। भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात उसने क्या किया, भूमि को तीन भागों में विभक्त किया, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि, खराब भूमि। जो अच्छी भूमि होती थी उसके आधार पे वो वहाँ से लगान लिया करता, जो मध्यम भूमि होती थी उसके आधार पे वो वहाँ से लगान लिया करता, और जो खराब भूमि थी जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता उसके आधार पे वो वहाँ से आपका लगान लिया करता था। तो इस तरीके से उसने अपने क्या किया, लगान के आधार पर भूमि को तीन भागों में इन्होंने विभक्त किया, अच्छी, मध्यम और खराब। फिर बात करते हैं इनका, जो ये आपका जो कर हुआ करता था, जो टैक्स लिया करता था, ये कैसे लेता था, तो प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर। जितना आपका उत्पादन होगा उस उत्पादन का 1/3 भाग आपको कर के रूप में देना होगा, तो इस आधार पे वो आपका कर डिसाइड करता था। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपका कि शेषासुरी जो आपका कर लगाता था बेसिकली किस पे बेस था आपका, तो क्या बताएंगे हम यहाँ पर इनका, तो वो था प्रोडक्शन के आधार पर। फिर बात करते हैं कि शेषासुरी ने भूमि के मापन के लिए, मतलब कि जो लैंड था उसको मेज़र करने के लिए, उसके मापन के लिए आपकी दो मापन पद्धति निकाली, जो थी आपका सिकंदरी गज और एक थी आपकी सन की डंडी। तो ये दो प्रकार से भूमि का मापन करता था, एक था आपका सिकंदरी गज, दूसरा था सन की डंडी। फिर बात आती है यहाँ पे कि उसने कबूलियत व पट्टा जैसी प्रथा की शुरुआत की। इसमें किसानों को सरकार के द्वारा आपका ये बता दिया जाता था कि एक साल के अंदर कितना हमें कर देना है, इसके आधार पर किसान को भी आपका काफ़ी रियायतें दी जाती थी। तो कबूलियत और पट्टा जैसी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शेषासुरी के द्वारा। तो एक बार हम फिर देखते हैं कि इस से कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करें, तो पहला क्वेश्चन अभी अपन ने देखा कि शेषासुरी के समय इनके प्रशासन का आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो आप बताएंगे यहाँ पे कर। अपन ने तीनों कर देख लिए हैं, लगान कर, नमक कर और आपका टकसाल कर। फिर बात आती है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि शेषासुरी की जो लगान व्यवस्था थी वो किस पे आधारित है, तो आपको बताना है यहाँ पे रैयत बाड़ी, और रैयत की मीनिंग होती है किसान। तो इसके माध्यम से वो किसानों के प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहा करता था। फिर आती है यहाँ पे शेषासुरी ने लगान के आधार पर भूमि को तीन भाग में विभक्त किया, वो अपने प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो लोग मेंस लिखेंगे तो उन्हीं को इस फॉर्मेट में आपका लिखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है आपका, तो वो क्वेश्चन ये आता है कि शेषासुरी ने भूमि के मापन के लिए किनका प्रयोग किया था, तो ये याद रखना हमें, सिकंदरी गज और सन की डंटी, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कबूलियत व पट्टा जैसी प्रथा की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी कौन आ जाएंगे यहाँ पे आपका, शेषासुरी। अब नेक्स्ट जो आता है इसका आपका क्या, प्रशासन। ये जो एक्चुअल में जो प्रशासन है, अभी मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि शेषासुरी के जो व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है उसे अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। तो इनका जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सरकार या परगने का प्रशासन, और एक और है आपका ग्रामीण प्रशासन, इसी प्रशासन को जब अकबर
एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उभर के आया, तो उन्होंने इसी प्रशासन को और अच्छे आगे से आपका देखा। तो इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हें व्यवस्था सुधारक के रूप में आपका जाना जाता है। आपने देखा होगा कि इन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और इन्हीं के कारण इन्होंने हर एक सिस्टम को अच्छे से रिफॉर्म किया स्टडी करने के बाद, और इस तरीके से इतिहास में ये एक टाइटल जो इनको मिला व्यवस्था सुधारक है ना, तो वो से आपका इनको सिद्ध किया जाता है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है आज आपका शेरशाह सूरी, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस प्री के लिए आपका, और ये MPPSC मेंस के लिए ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस की भी मैंने फॉर्मेट बता दिया किस हिसाब से आप व्यवस्था सुधारक के रूप में आप सिद्ध करेंगे, और इन्हीं के अंदर आप प्रीलिम्स में जो फैक्ट पढ़ते हो उन्हीं को हम लिखते हैं, और अभी मैंने बताया कि कैसे इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।